वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए लेशन की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं हमारे नए चैप्टर, हमने पेसिव सेंटेंसेस की एक नई सीरीज देखा है, जहां पर बोलचाल में पेसिव सेंटेंसेस का उपयोग किस तरह से किया जाता है, हमारे कन्वर्सेशन में हम किस तरह से पेसिव सेंटेंसेस से हमारे बोलचाल में उपयोग करते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए हम सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति को हमने काम करते हुए दिखाना चाहिए उसे हम महत्व नहीं देते हैं, उसे हमारे सेंटेंसेस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन काम को यूज करते हैं, बाकी जो वहां पर आने वाले सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं उन्हें यूज करते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट उन सेंटेंसेस में नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरह के पैटर्न जहां पर हम बोलचाल में हमारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, हम सीख रहे हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट में यूज होने वाले हमारे एग्जाम्पल्स के कुछ वीडियोज। हमने जो पिछले वीडियो के साथ में, पिछले सीरीज के साथ में शुरुआत करी है हमारे सेंटेंसेस बनाने की, पेसिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बोलचाल में हमारे सेंटेंसेस में हमारे राइटिंग में यूज करते हैं, हमारे स्टोरीज में यूज करते हैं, हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं जहां पर रिपोर्ट्स में हमारे सेंटेंसेस यूज होते हैं, और पेसिव सेंटेंसेस के प्रयोग से हमारी जो इंग्लिश होती है, हमारा जो पैटर्न होता है वो और बेहतर दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम इस सीरीज में और आगे बढ़ते हैं, और आज हम देखेंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट्स में और कुछ सेंटेंसेस जो हमारे बोलचाल में यूज होते हैं, कुछ मिक्स करके सेंटेंसेस हम देखते हैं इस तरह के, जहां पर कि हमारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और प्रश्नात्मक जो होंगे हम उनको भी किस तरह से पेसिव में यूज करते हैं, पूछते समय किस तरह से पेसिव में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके फिर से एक बार तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने के लिए, नए सेंटेंसेस को यूज करने के लिए, जहां पर हमें बोलचाल में पेसिव का अगर यूज करते हैं तो आपकी अंग्रेजी और बेहतर लगेगी। इस तरह के एग्जांपल चलिए हम देखते हैं। और जैसे कि हमने फॉर्मूला पिछले पेज में, पिछले वीडियो में देखा था, हमारे सेंटेंसेस जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को महत्व देते हुए सेंटेंसेस हमने हेल्पिंग वर्ब्स इजमार का यूज किया था, और इस तरह के सेंटेंसेस हम पहले बना चुके हैं। अगर आपने लगातार हमारे सेंटेंसेस को देखा है, पेसिव सेंटेंसेस की पूरी सीरीज पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें नहीं होने जा रही है। हम देखते हैं आज का पहला एग्जाम्पल हमारा किस तरह से होगा। तो दो दक्ष, दो कुशल बढ़ई जो मिस्त्री होते हैं, कारपेंटर को काम के लिए चुना जाता है या चुनते हैं, अगर हम सेंटेंस बनाए तो उसका पेसिव होगा। दो लोगों को चुना जाता है काम के लिए, तो हमारा सेंटेंस है टू स्किलफुल, मतलब जो दक्ष हैं, दो जो कुशल हैं, टू स्किलफुल कारपेंटर्स आर सिलेक्टेड फॉर वर्क। सेकंड एग्जांपल देखिए, एक गुप्त मीटिंग सभा कक्ष में रखते हैं या रखी जाती है, जो मीटिंग होती है, जो गुप्त मीटिंग होती है, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है, जो किसी ग्रुप की अपनी मीटिंग होती है, उसे हम सेंटेंस रखेंगे कि मीटिंग रखते हैं, मीटिंग रखी जाती है। ए कॉन्फिडेंशियल मीटिंग इज हेल्ड इन कॉन्फ्रेंस हॉल, तो कॉन्फ्रेंस हॉल जो वहाँ का एक मीटिंग के लिए या जहाँ सभा के लिए उनका हॉल होता है, कक्ष होता है, वहाँ पर मीटिंग रखी जाती है, रखते हैं। एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग इज हेल्ड इन कॉन्फ्रेंस हॉल। तो फ्रेंड्स, कलर कोड से आप पहचानते चलिए, हिंदी के सेंटेंसेस को देखिए, जो जाता है जाती है, हमारे हिंदी की पहचान आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस के अंत होते हुए, लेकिन इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंसेस में पेसिव में कहीं पर कोई जाता नहीं है, कहीं वो जैसा कोई यहाँ पर वर्ब नहीं होता है। यहाँ पर जो सेंटेंसेस है, मेन वर्ब है चुना जाता है, रखी जाती है, इस तरह का सेंटेंस हमें किस तरह से पेसिव में बोलना होता है, किस तरह से लिखना होता है, उसका अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। बहुत से बेकार सामान स्टोर रूम में जमा करते हैं, जमा किया जाता है, रखा जाता है, तो जमा किया जाता है, रखा जाता है, इस तरह का जो हमारा सेंटेंस। वेरियस यूजलेस मटेरियल्स आर कलेक्टेड इन द स्टोर रूम, वेरियस यूजलेस मटेरियल्स आर कलेक्टेड इन द स्टोर रूम। चौथा एग्जाम्पल देखिए, मुझे उसके यहाँ पर हमेशा किसी भी कार्यक्रम में बुलाते हैं, इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, तो मुझे इनवाइट किया जाता है, तो वहाँ पर जो बुलाने वाला कोई व्यक्ति और है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस स्टार्ट शुरुआत हो रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। जो व्यक्ति उन्हें यहाँ पर अपने घर पर कार्यक्रम में बुलाता है, उनका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। सेंटेंस बनेगा हमारा, आई एम ऑलवेज इन्वाइटेड इन हर प्लेस, उसके यहाँ पर, इन एनी फंक्शन, जो भी फंक्शन उनके यहाँ होता है, मुझे आमंत्रित करते हैं, मुझे बुलाते हैं, हमेशा बुलाते हैं। पांचवा सेंटेंस देखिए, गेहूं, चावल, मक्का, सब्जियां हमारे खेत में उगाते हैं या उगाई जाती है, उगाई जाती है, इन सामान को जो हम यहाँ देख रहे हैं उगाई जाती है, उनके नाम हम लिखेंगे। व्हीट, राइस, कॉर्न्स, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन आवर फील्ड्स, हमारे खेतों में सब्जियां उगाई जाती है, तो जो खेत है वो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी देख रहे हैं। यहाँ पर हमने जो कलर कोड इस समय किया है, हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप कलर कोड में देख रहे हैं,
तो फ्रेंड्स इस तरह के हमारे सेंटेंसेस अभी आपने 5 एग्जांपल्स देखे, अफर्मेटिव एग्जांपल्स देखे हैं, यहाँ पर हमने पिछले वीडियोस में भी इस तरह के एग्जांपल्स देखे हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा है तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस देख रहे हो आपके लिए एक अगली सीरीज होगी। इस तरह से चलिए आप इन सेंटेंसेस को लिख लीजिएगा। आप देखिए इस तरह के सेंटेंसेस हमारे बोलचाल में रोज उपयोग होते हैं, लिखे जाते हैं। हम लोग जब किसी प्रकार का एप्लीकेशन हम लिखते हैं, किसी प्रकार का एसे, कोई भी प्रकार के हम लेटर्स लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, पढ़ते हैं, हमारे न्यूज़पेपर में स्टोरीज देखते हैं, तो हमारे सेंटेंसेस हमें पीसीयू में बहुत सारे मिलते हैं। इस समय हम प्रेजेंट टेंस की ये पूरी सीरीज देख रहे हैं, आगे भी हमारे सेंटेंसेस बदलते रहेंगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, आप इन्हें आराम से लिख लीजिएगा। पहले सारे एग्जाम्पल्स अगले आने वाले पेजेस के साथ देख लीजिए और उन्हें किस तरह से हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं वो भी आप समझते चलिए। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, कुछ और एग्जांपल्स हमारी बोलचाल में किस तरह से पैसिव सेंटेंसेस का उपयोग किया जाता है। आप हमारी इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से सारे जो फॉर्मेट होते हैं बोलचाल के अंग्रेजी के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो आप देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप रोज नए नए शब्द पाएंगे अंग्रेजी के और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, मोटिवेशनल पेजेस और हम कर सकेंगे चैट भी। तो चलिए इस पेज में देखते हैं हमारे पास किस तरह के एग्जांपल होंगे। फॉर्मूला हमने पिछले पेज में डिटेल से इनके अध्ययन कर लिया। इस समय जो हमारे सेंटेंस होंगे आप फॉर्मूले से समझने की कोशिश करिए। हमारे इंटरोगेटिव फॉर्मूला है, प्रश्नात्मक सेंटेंसेस हमारे पास आने वाले हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या बहुत जरूरी कागजात तिजोरी में रखे जाते हैं या रखते हैं? क्या तिजोरी में कागजात जो है जरूरी कागजात रखते हैं? तो हमारा सेंटेंस देखिए, आर द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैप्ट इन द सेफ? आर सामने देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या रखे जाते हैं, तो हमारा आर द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैप्ट इन द सेफ। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या कक्षा में ग्रामर का पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, पढ़ाया जाता है? तो देखिए इस तरह के सेंटेंस, पढ़ाते हैं, पढ़ाया जाता है, जो टीचर है उनका हमने सेंटेंस में जिक्र नहीं किया है, जो सब्जेक्ट है सिर्फ उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, पढ़ाया जाता है। इज ग्रामर सिलेबस टॉट इन द क्लास? जो क्लास में ग्रामर का सिलेबस, ग्रामर का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तीसरा एग्जांपल देखिए, क्या सुपर बाजार से कोई सब्जियां नहीं खरीदी जाती हैं? देखिए हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या नहीं खरीदी जाती है, क्या नहीं खरीदते हैं? आर एनी वेजिटेबल्स नॉट बॉट फ्रॉम द सुपर मार्केट? क्या सुपर बाजार से कोई सब्जियां नहीं खरीदते हैं? चौथा एग्जाम्पल देखिए, क्या कपड़े वॉशिंग मशीन में रोज निचोड़े जाते हैं, निचोड़ते हैं? हमारा सेंटेंस, आर द क्लॉथ्स रंग इन द वॉशिंग मशीन डेली? तो वॉशिंग मशीन में क्या कपड़े नहीं निचोड़ते हैं, हमने सेंटेंस यहाँ पर बनाया है, आर द क्लॉथ्स रंग इन द वॉशिंग मशीन। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या शिक्षकों का सम्मान आपके स्कूल में किया जाता है या क्या शिक्षकों का सम्मान आपके स्कूल में करते हैं? हमारा सेंटेंस जब हम बनाएंगे, आर द टीचर रिस्पेक्टेड इन योर स्कूल? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आर द टीचर्स रिस्पेक्टेड इन योर स्कूल, हम पूछने के इस फॉर्मेट में किसी से पूछ रहे हैं। प्रश्नात्मक सेंटेंस पैसिव के माध्यम से कैसे हम बना के पूछ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का जिक्र हमने किसी भी सेंटेंस में अब तक के नहीं किया है। अगर कहीं सब्जेक्ट का सेंटेंस में आता है, उपयोग होता है, तो हमें उसे बाय के बाद लिखना चाहिए, जो हम जानते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस तरह के फॉर्मेट में बोलचाल में हम जब सेंटेंस देखते हैं, बोलते हैं, तो हमें सब्जेक्ट का यूज नहीं करना जब होता है, तो सेंटेंस हम किस तरह से हमारे जीवन में बोलते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपने अभी तक के पिछले पेज में 5 एग्जांपल्स देखे हैं, इस पेज पर आपने देखे हैं और 5 एग्जांपल्स। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, आप इन्हें आराम से लिख लीजिएगा, सेंटेंसेस को पढ़ते चलिए। पहले पूरे सेंटेंसेस जो इस वीडियो में आप देखेंगे उन्हें समझते चलिए। एक बार अगर आप पैसिव के फॉर्मेट को यूज करना सीख जाते हैं, अगर आपका टेंस अच्छा है, अगर आपने ग्रामर सही तरीके से अब तक के सीखी है, पैसिव के सेंटेंसेस आप जानते हैं, तो आप पैसिव में लिख सकेंगे, बोल सकेंगे और अपने कन्वर्सेशन में पैसिव को बहुत बेहतर ढंग से यूज भी कर पाएंगे। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज में, जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो प्रश्नात्मक किस तरह से होंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट से सारे रिविजन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पेज में जब हम सेंटेंसेस देखेंगे वो किस तरह से प्रश्नात्मक शब्द होंगे, क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस होंगे, जिसकी एक सीरीज हम पहले देख चुके हैं, जिसके वर्ड्स के जो लिस्ट है प्रश्नात्मक शब्दों के, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उनके यूजेस को समझ सकते हैं। और हमने क्वेश्चन वर्ड को कितने डिटेल से हर वीडियोस के साथ में, हर फॉर्मेट के साथ में पढ़ा है, वो आप समझ सकते हैं। तो चलिए हमारा जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड से, इस समय स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस। प्रश्नात्मक शब्द एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। बाकी जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इज ए मार्क हमें यूज करना होगा, चूंकि यह प्रेजेंट
इंडिफिनिट का सेंटेंस पेसिव होगा तो हमें ऑब्जेक्ट को देखते हुए इज मार्क का प्रयोग करना है। थर्ड फॉर्म किस तरह से आएगा, पहला एग्जाम्पल समझते हैं। रोज स्कूल में उसकी पिटाई क्यों होती है, या हम सेंटेंस पूछ सकते हैं वो रोज स्कूल में मार क्यों खाता है। तो उसकी पिटाई होती है, पीटने वाले कोई टीचर अगर कोई है तो पीटने वाला जो व्यक्ति है, जो लड़का है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वाई इज ही बीटन डेली इन द स्कूल, देखिए ही जो है वो कोई हमारा जो व्यक्ति है जिसकी पिटाई होती है उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। वाई इज ही बीटन डेली इन द स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यह विषय तुम लोगों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं सेंटेंस हमने पूछना है। हाउ आर यू टॉट, देखिए सेंटेंस आप जो यहाँ पर यू देख रहे हैं वो कोई बच्चे हैं, जो यू है जो व्यक्ति है उनके बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हाउ आर यू टॉट दिस सब्जेक्ट, तुम लोगों को यह सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, भारत में होली कब मनाई जाती है, भारत में होली कब मनाते हैं, कब मनाते हैं, इस तरह का सेंटेंस। When is होली celebrated in India? भारत में होली कब मनाते हैं, कब मनाई जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे जीवन के कितने अभिन्न अंग है, हमारे डेली के जो हम फेस्टिवल्स के बारे में बातें करते हैं, पूछते हैं, हमारा वो सेंटेंस। चौथा एग्जाम्पल देखिए, मकर संक्रांति के दिन पतंगे कहाँ पर उड़ाई जाती है, कहाँ पर पतंगे उड़ाते हैं, पतंगे कहाँ पर उड़ाते हैं हम पूछ रहे हैं। वेयर से हमारा सेंटेंस, पिंक रंगों से आप कलर कोड से देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं, एक ही प्रश्नात्मक शब्द अभी हमारे सेंटेंसेस में आ रहे हैं। वेयर आर काइट्स फ्लोन ऑन मकर संक्रांति, पतंगे कहाँ उड़ाई जाती है मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति के दिन। वेयर आर काइट्स फ्लोन ऑन मकर संक्रांति। तो देखिए हमने चार एग्जाम्पल देखे हैं प्रश्नात्मक शब्दों से बनने वाले। अगर आप प्रश्नात्मक शब्दों को बेहतर ढंग से यूज करना जानते हैं तो आपको पैसिव एक्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। हमारा अगला सेंटेंस देखिए, पेपर का बिल हर माह कितना देते हैं, कितना दिया जाता है, मतलब पेपर के पैसे कितने देते हैं जो चुकाने वाला व्यक्ति है उनसे हम सिर्फ पेपर का बिल पूछ रहे हैं, कौन चुकाता है वो नहीं पूछ रहे हैं। तो देने वाला व्यक्ति के बारे में हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो पैसे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। हाउ मच मनी इज पेड फॉर न्यूज़पेपर्स बिल, तो न्यूज़पेपर के बिल के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, कितने पैसे पे करते हैं, चुकाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने WH प्रश्नात्मक शब्दों से होने वाले पैसिव सेंटेंसेस को हमारे जीवन में किस तरह से हम यूज करते हैं, हमारे जीवन के किस तरह से वो अभिन्न भाग होते हैं, हम बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस अब तक के जो आपने हमारे पिछले दो पेजेस में देखे, हमारे अफर्मेटिव, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखे और यहाँ पर हमारे प्रश्नात्मक शब्दों को आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे पैसिव फॉर्मेट में यूज होते हैं। अब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं पैसिव के साथ में, यूजेस किस तरह से हम लाइफ में करते हैं, बोलचाल में, वो भी आप यहाँ देखते चल रहे हैं। हम सीखेंगे सारे टेंस के एक एक करके इस तरह से पैसिव को किस तरह से उपयोग किए जाते हैं हमारे जीवन में। आप फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को फिर से एक बार पीछे स्टार्ट करके सारे सेंटेंसेस को लिख लीजिए, यूज करिए आपके लाइफ में। आपके पास किस तरह सा सेंटेंसेस होता है वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए। आप अपने सेंटेंसेस को कलेक्ट करिए कि आप किस तरह के सेंटेंसेस आपके जीवन में पैसिव बोलते हैं सुबह से शाम तक, हमारे जीवन के कितने अभिन्न अंग होते हैं जहाँ पर हम 70% तक जीवन में पैसिव बोल जाते हैं, यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस समय आपके पास अभी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, आराम से आप लिखिएगा, जो आपके सेंटेंसेस होंगे वो आप करिएगा, और अब जो आप सेंटेंसेस बनाएंगे अगले पेजेस में वो आपके लिए होंगे सेल्फ टेस्ट टाइम। अगले पेजेस में जो हम सेंटेंसेस देंगे वो आप किस तरह से खुद उन्हें हिंदी में बना पाएंगे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह जो अभी सेंटेंसेस आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं प्रश्नात्मक शब्दों से बनने वाले हमारे ये पैसिव सेंटेंसेस आप यूज करिए, हिंदी में इन्हें ट्रांसलेट करिए और आपके आंसर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सेंटेंसेस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपने अभी उनके एग्जांपल्स देखे हैं, कलर कोड से आप सारे सेंटेंसेस को अलग अलग देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप आराम से इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रोक लीजिए और आपके पास अभी सारे बहुत सारे सेंटेंसेस हो चुके हैं जिन्हें आपको लिखने में समय लगेगा, आप इन्हें आराम से लिखिए, बहुत सारा समय आपको ले सकते हैं। और जो भी सेंटेंसेस अगर आप नहीं बना पाते हैं, नहीं यूज़ कर पाते हैं तो उनके बारे में आप कमेंट जरूर करिए, हमारे साथ शेयर करिए आपके व्यूज़, आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है आप हमें ज़रूर बताइए, और आपके जीवन में पैसिव सेंटेंसेस कितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो भी आप हमारे साथ जिक्र कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी। तो फ्रेंड्स हम अगले वीडियोज़ को बनाने की तैयारी करते हैं, अगले सेंटेंसेस जो हमारे होंगे बोलचाल में किस तरह से हमारे पैसिव यूज़ किए जाते हैं उसके फॉर्मेट हम बदल करके आपके सामने फिर से आएंगे। Keep watching Saral English Guru, step towards English word, subscribe our channel, like and comment, press bell icon so that you can get latest video, share your knowledge with us, make your group larger and better. Thanks for watching. Bye-bye.